नमो भगवते वासुदेवाय दृष्ट्या भवान में समवस्थित रिपु यो ब्रह्मा गुरुहा भ्रातृहा च दृष्टियाद्याम सत्यम तया मत्सुल निर्भिन्न दृषद हृदय चिरात दृष्टिया भवान में समवस्थित रिपु यो ब्रह्मा गुरुहा भ्रातृहा च दृष्ट्याद्याम सत्यम तया मच्छुल निर्भिन्न हृदय दृषद हृदय चिरात वृत्र उवाच दृष्ट्या भवान में समवस्थित रिपु यो ब्रह्मा गुरुहा भ्रातृहा च दृष्ट्याद्याम सत्यम तया मत्सुल निर्भिन्न दृषद हृदय चिरात पत्थर के समान कलेजा, तुम्हारा कलेजा पत्थर के समान है, मैं तुम्हारे कलेजे को छाती को अपने त्रिशूल से विदीर्ण कर दूंगा और तत्काल ही अपने भाई के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ इंद्र देव को बहुत गाली दे रहे हैं वृत्रासुर, केवल उद्देश्य उनका है कि इंद्र देवता क्रोधित हो जाएं और वज्र चला दें हम पर, वो शरीर त्यागना चाहते थे। ऐसा युद्ध आप लोगों ने सुना नहीं होगा कि विपक्ष अपने मरने की तैयारी कर रहा, कि हम पर वज्र चलाओ वज्र चलाओ। इंद्र देवता वज्र चला नहीं रहे हैं तो वृत्रासुर अनेक दुर्वचन बोलते हैं उनको, कहते हैं दृष्टि आए, मेरा भाग है कि तुम मेरे सामने आ गया। जो ब्राह्मण की हत्या किया है, गुरु की हत्या किया है और मेरे भाई की हत्या किया है, तो मेरा भाग्य है आज सामने आ गया। आज इसी त्रिशूल से तुम्हारा हृदय फाड़ दूंगा, अपने भाई के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। अरे असत्तम, सबसे ज्यादा दुष्ट, मैं बहुत दिनों से तुमको खोज रहा था। ये मेरा भाग्य है कि मेरे सामने आ गया, आज मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, आज इसी त्रिशूल से तुम्हारे हृदय को फाड़ दूंगा। मच्छूल निर्भिन्न हृदय, मेरे शूल से तुम्हारा हृदय विदीर्ण हो जाएगा। तुम्हारा हृदय कैसा है, पत्थर के समान है। क्यों पत्थर के समान कह रहे हैं, क्योंकि तुमने द्विजाति का वध किया है, ब्राह्मण का वध किया है, अपने गुरु का वध किया है। विश्व रूप जी उनके गुरु थे इंद्र के, तो तुमने गुरु का वध किया है और मेरे भाई का वध किया है। यो नो जब नो अग्रजस्यात्म विदो,
तुमने हमारे अग्रज का वध किया है, ब्राह्मण का वध किया, द्विजाति और आत्मविद, उस पर भी हमारे अग्रज ज्ञानी थे, आत्मा को जो पहचानते थे, उनको तुमने मारा है। गुरु को मारा है अपापस्य, और गुरु ने कोई अपराध नहीं किया था, तुम विश्वास दे करके उनको अपने पुरोहित के पद पर चुना प्रार्थना करके, और वे जब तुम्हारा यज्ञ करा रहे थे उसी समय तुमने उनका मस्तक काट लिया, और तीनों मस्तक काट लिया, एक भी छोड़ा नहीं। तुम इतने कठोर हो कि आज मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। श्री हरि दया कीर्तिरुज्जितम ताम, आपको दया ने, लज्जा ने, कीर्ति ने छोड़ दिया है। अर्थात मृतदासु कहने का आशय था कि ऐसा काम आपने किया है कि आपने दया नहीं है, लज्जा नहीं है। ब्राह्मण का वध तो राक्षस भी नहीं करते हैं, और वैसा ब्राह्मण जो आपका गुरु था, असल में मृतासुर आप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, भवान कहे हैं शुरू में, भवान का अर्थ होता है आप, तुम नहीं आप, लेकिन मैं ऐसे अनुवाद में बोल रहा था, आप हमेशा कहना चाहिए, बड़े आदर से बोल रहे थे, देवता है नहीं इंद्र। और सबसे बड़ी बात है कि ये भगवान के आदेश से युद्ध करने आए हैं देवताओं के साथ, इसलिए इतने बड़े देवता को रेतुकार नहीं कर सकते थे, बहुत आदर से बोल रहे हैं। मेरा भाग्य है कि आप आज हमारे आंखों के सामने आ गए, फेस टू फेस आए, मैं इसी त्रिशूल से आपका हृदय फाड़ दूंगा। क्यों ऐसी कठोर बात बोल रहे हैं? केवल उद्देश्य यही है कि ये नहीं आओ इंद्र देवता ये वज्र चला दें और मैं शरीर त्याग दूं। शरीर त्याग कर वृत्रासुर भगवान के चरण में जाना चाहते थे, तो वे कठोर वचन इंद्र को बोल रहे हैं इसलिए कि वे क्रोधित हो जाए और क्रोध में अपना वज्र चला दें। शूल से मैं आपके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, और किसी को जलाने नहीं दूंगा। आपके अनुयायी जितने हैं सैन्य सिपाही, किसी को जलाने नहीं दूंगा, अग्नि का स्पर्श नहीं होगा आपके शरीर से, आपके शरीर को टुकड़ों में कर दूंगा और इसको गिद्ध नोच नोच कर खाएंगे। यह बात प्रसिद्ध है कि जब व्यक्ति के शरीर को जला दिया जाता है तो आत्मा की सदगति होती है, लेकिन वृत्रासुर का क्रोध दिलाने के लिए कि मैं आपको जलाने नहीं दूंगा, काट काट कर त्रिशूल से गिद्धों को दे दूंगा, गिद्ध नोच नोच कर खाएंगे। अथवा यह भी हो सकता है, हे शक्र आप बहुत बड़े वीर हैं, सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ किए हैं,
हे हरि इंद्र को संबोधन करके कह रहे हैं हे हरे, हरि नाम इंद्र का है, भगवान का ही नाम। अथवा ऐसा भी हो सकता है कि आप मेरा मस्तक काट डालें, ये तो कोई निश्चित नहीं है कि युद्ध में क्या होगा, पता नहीं रहता है। तो ये भी हो सकता है कि आप मेरा मस्तक काट डालें। तो जब आप मेरा मस्तक काट डालेंगे तो मैं भूत ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। बहुत से जीव भूखे हैं, मेरे इस विशाल शरीर को वे खा जाएंगे, कुत्ते गिद्ध आदि मेरे शरीर को खा जाएंगे। तो मैं जीवों को तृप्त करूंगा इस भौतिक जगत में अपने शरीर के बलि द्वारा, मेरे शरीर को ये सब खाएंगे बहुत प्रेम से, और मैं जाऊंगा मनस्वी नाम पादरजा प्रपत से, मनस्वियों के श्री नारद आदि महात्माओं के स्थान पर जाऊंगा, भगवान को प्राप्त करूंगा। कहने का आशय है, तो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, बोल रहे हैं सुरेश कस्मान नहिनो शिवज्रम, हे सुरेश हे देवताओं में सर्वश्रेष्ठ, आप अपना वज्र क्यों नहीं चला रहे हैं। सुरेश कस्मान नहिनो शिवज्रम पुरस्ते वैरिणी मय मोघम, मैं आपके सामने हूँ और आपका प्रसिद्ध वैरी हूँ, आपको छोड़ूंगा नहीं, अभी आपको मार दिया, आपके हाथी पर मार दिया, तो मैं आपका कितना बड़ा बैरी हूँ आप पहचानिए, मैं आपका शत्रु हूँ और आपके सामने हूँ, और आपके हाथ में वज्र है वह अमोघ है, कभी विफल नहीं होगा, जैसे गदा विफल हो गई वैसे वज्र विफल नहीं होगा। तो हे सुरेश हे देवेश्वर हे देवेंद्र, आप अपना वज्र क्यों नहीं चला रहे हैं, चलाइए। सुरेश कस्मा नहीनों से वज्रम पुरस्त वैरणी मय मोघम, मैं आपका वैरी हूँ शत्रु हूँ और पुरस्त आपके सामने हूँ और वज्र आपके हाथ में है, क्यों नहीं चला रहे हैं, चलाइए। तो मानो इंद्र देवता ने कहा कि मुझे संशय है कि ये वज्र भी गदा की तरह विफल हो जाएगा। तो मृतासुर कहते हैं माँ संशयिष्ठ न गदैव वज्रम स्वयं निष्फलम कृपार्थे यांचा, जैसे कृपण व्यक्ति से कोई कुछ मांगे देता नहीं है, जैसे यह वज्र विफल नहीं होगा, ये अवश्य अपना काम करेगा। यदि कृपण व्यक्ति से कुछ मांगा जाए तो कृपण का अर्थ क्या है, कृपण का अर्थ है जो लाचार है, उसके पास दम नहीं है कुछ भी देने का, वो अपने ही जीवन को संवारने में पड़ा हुआ है, तो उसे कुछ मांगा जाए तो देगा नहीं, याचना व्यर्थ चली जाएगी। तो इस प्रकार आपका वज्र विफल व्यर्थ नहीं होगा। सुरेश कस्मा नहीनों से वज्र, हे सुरेश्वर आप अपना वज्र क्यों नहीं चला रहे हैं, आपका बैरी मैं आपके सामने हूँ। और आपके हाथ में अमोघ वज्र है,
अब संशय मत कीजिए कि यह गदा की तरह निष्फल हो जाएगा, ये हमारा बध अवश्य करेगा, इसलिए चलाइए चलाइए। क्या सुंदर याचना है कि आप वज्र चलाइए, मैं शरीर को त्याग कर भगवान के चरणों में जाना चाहता हूँ। सुरेश कस्मा नहीनो सी वज्रम वैनी मयमोघम तेनय व शत्रु जही विश्व जंति, तो इसी वज्र से आप अपने शत्रु को मारिए। आपको विष्णु ने आदेश दिया है, भगवान ने आदेश दिया है, तो भगवान की आज्ञा का पालन कीजिए, आप मुझे मारिए। विष्णु जनता विष्णु के द्वारा नियुक्त होकर के आप हमको मारिए। जही स्वशत्रु, शत्रु को मार दीजिए। मैं स्वर्ग आदि नहीं चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा सुनिए। अहम समाधाय मनोजथा शंकर सुनस्त चरणारविंदे तद्वज्रो रंग हो ललित लुलित ग्राम पास हो गति मुनेर जाम अपविद्ध लोका। मैं समाधि लगाऊंगा, अपने मन को एकाग्र करूंगा, जैसा भगवान हमारे इष्ट देव शंकरण देव ने कहा है, जैसा भगवान ने हमको सिखाया पूर्व जन्म में ध्यान करने की पद्धति, उस तरह से भगवान शंकरण के निर्देशन के अनुसार भगवान नित्यानंद के आदेश के अनुसार मैं अपने चित्त को एकाग्र करूंगा उन्हीं के चरण में। तत्चरणा रविंदे, और उस समय आपका वज्र चलेगा वेग से। यह क्या कर गया, ये मेरी हत्या नहीं कर पाएगा, ये मेरे ग्राम में पास को काट देगा। जो विषय भोगों में हमारी आसक्ति है इस संसार में, उसको एक काट देगा, हमारा कर्म बंधन खत्म कर देगा। हमारे अपविद्ध लोक का यह शरीर छोड़ करके मैं मुनियों की गति प्राप्त करूंगा। मुनि जन जो भगवान के धाम में जाते हैं भगवान की सेवा के लिए, मैं उनकी गति प्राप्त करूंगा। अतः दोनों काम होगा, आपका भी काम होगा, मेरा भी काम हो जाएगा। मैं जाना चाहता हूँ वैकुंठ, और आप रहना चाहते हैं स्वर्ग में, तो आप मेरा वध करके आप स्वर्ग में निश्चिंत रहेंगे। जब तक आप हमको नहीं मारेंगे आप निश्चिंत नहीं रह सकते हैं। आपने देखा ना कि युद्ध में क्या हुआ, इसलिए मेरा वध कीजिए। अहम समाधाय मनोजथा न शंकर स्वस्त चरणारविंद। यहाँ न कहा हमारे स्वामी श्री शंकरण देव ने जो हमको सिखाया है, क्या सिखाया है, उन्हीं के चरण में मन लगाना जैसे सिखाया है। जैसे भगवान ने गीता में अनेक श्लोकों में ये बात जोर देकर कहा है कि ऐसे मेरा ध्यान करना चाहिए, ऐसे मेरे लिए कर्म करना चाहिए। तो ये हम लोगों का भाग्य है कि स्वयं भगवान के उपदेश हम लोगों को प्राप्त है, भगवद गीता एज इट इज। हम भगवान की बात को पढ़े और उसके अनुसार आचरण करें, ये हमारा भाग्य है। जिनका हम भजन करना चाहते हैं, जिनके दास हैं, तो वही प्रभु कृपा करके गीता का प्रवचन किए।
जिसमें स्पष्ट कहते हैं मई एवं मन आधत स्व मई बुद्धि निवेश, मुझमें ही मन को रखो, बुद्धि को मुझमें ही रखो और इस जीवन के बाद तुम मेरे पास ही आओगे। ये उपदेश है भगवान का। तो शंकरषण देव ने भी उपदेश किया था महाराज चित्र केतु को, उसी की याद करके कह रहे हैं मित्रासु जी, जैसा भगवान ने हमको कहा था अपने ध्यान की बात, सोलहवें अध्याय में वर्णित है। तो मैं उस प्रकार से भगवान में मन लगा करके समाधिस्थ हो जाऊंगा और आपका वज्र आएगा बड़े वेग से, मेरे ग्राम्य पास को काट देगा, मेरे विषय भोग की वासना को समाप्त कर देगा, मेरा कर्म बंधन नष्ट हो जाएगा, कर्म बंधन से मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो मानो इंद्र पूछते हैं कि केवल शरीर छोड़ने से आप कैसे वैकुंठ चले जाएंगे। शरीर छोड़ना एक अलग काम है, वैकुंठ जाना अलग काम। तो वृद्धासु जी कहते हैं मैं वैकुंठ जाऊंगा, भगवान के चरण में जाऊंगा, उनके चरणों का चिंतन कर करके तो आप निश्चिंत रहिए, अब स्वर्ग पर कोई खतरा नहीं है। मैं भौतिक जगत में रहूंगा नहीं, मैं तो स्पिरिचुअल जगत में जाऊंगा। फिर कहते हैं हे शक्र, हे अश्वमेध, सौ अश्वमेध यज्ञ करने वाले, हे वीर, आप ध्यान से सुनिए, हमारे पति अस्मत पति शंकरषण देव अपने भक्तों को भौतिक संपत्ति नहीं देते। जो भी संपत्ति स्वर्ग में है, इस पृथ्वी पर है या पाताल में नीचे के लोकों में है, ये सब संपत्ति कभी नहीं देते हैं अपने शुद्ध भक्तों को। क्योंकि जब देश उद्वेग, जिस संपत्ति में हमेशा द्वेष रहता है, दूसरों के साथ द्वेष रहता है, जैसे आप स्वर्ग के राजा हैं तो आपको हमेशा भय बना रहता है, द्वेष रहता है असुरों से कि असुर हमारे राज्य को छीन लेंगे, मन में चिंता होती है, उद्वेग और आदि मन में बहुत दुख होता है धन नष्ट हो जाने पर और कोई ले ले तब भी। तो संपत्ति ऐसी चीज है कि ये मिल जाए तो इसको बढ़ाने की और संरक्षण की चिंता होती है। इंसान किलयकांत धियाम सुकानाम या संपदो दिव्य भूमौ रसायाम न राति जब देश उद्वेग आधे कली मदास। मद कलीर विषम संप्रयास, जब ये संपत्तियां मिल जाती हैं किसी को तो वह व्यक्ति मद में हो जाता है कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ। कली और दूसरे के साथ झगड़ा होता है, मद अभिमान होता है कि मैं उत्कृष्ट व्यक्ति हूँ, इतना धन कमा लिया, आगे और भी कमाऊंगा, जिसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, परिश्रम होता है। जैसे इस समय परिश्रम हो रहा है बसपा और सपा में,
एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, हमको वोट दीजिए हम सबसे काबिल हैं, और दूसरा बिल्कुल गायब है, किसी काम का नहीं है। दोनों तरफ से बाग बाढ़ चल रहा है, युद्ध चल रहा है। हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत सेवा करेंगे जनता की, आप हमको वोट दीजिए, और दूसरे के प्रति सोचिए मत। दूसरे की निंदा है, आत्म प्रशंसा है। कितना प्रयास है, बड़े पद पर है, धनी है, पर उस पद को बचाने के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। तो संपत्ति में यही होता है, इसीलिए श्री भगवान अपने भक्तों को ना राती देते नहीं है, क्योंकि उस संपत्ति में द्वेष है, मानसिक चिंता है, परिश्रम है, अभिमान है और व्यसन है। व्यसन स्त्रियों को बस में करने की, उन्हें भोगने की चेष्टा करता है व्यक्ति, धन के बल से शराब पीता है, जुआ खेलता है, इसको व्यसन कहते हैं। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि वे अपने भक्तों के धन को छीन लेते हैं। जैसे हम अनुग्रहामी हरिषे तद धनम समय, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसके धन को धीरे धीरे छीन लेता हूँ। यह भगवान की कृपा है कि भक्त को अधिक धन नहीं देते हैं, पद नहीं देते हैं। अजीब रीति है भगवान की कृपा की, धन छीन लेना यह कृपा है भगवान की, क्योंकि धन से व्यक्ति बिगड़ जाता है, अनेक अभिमान आ जाता है, भोगों की वासना आ जाती है। इंद्रदेव इतने बड़े पद पर हैं, लेकिन इनमें दुर्व्यसन आ ही गया। एक बहुत बड़े ऋषि की पत्नी के प्रति वे आसक्त हो गए, ब्राह्मण की पत्नी जिनका नाम गौतम ऋषि था, वो गौतम ऋषि की पत्नी के साथ संग करना चाहते थे, और इसके लिए बड़ा उपाय किए। ऋषि को धोखा दिए, स्वर्ग से आए पृथ्वी पर और ऋषि का रूप धारण करके अहिल्या के साथ संग किए। तो इतना बड़ा दुर्व्यसन हो जाता है बड़ा पद मिलने पर, जो तीनों लोगों के ईश्वर हैं, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ है, सारा धन है उनके पास, लेकिन भौतिक जगत की ऐसी वासना कि परम शुद्ध ब्राह्मण की पत्नी के प्रति दुर्विचार आ गया। ये दशा होती है, इसीलिए भगवान अपने भक्तों को संपत्ति और पद आदि से बचाते हैं। तो ब्रताशिव कहते हैं कि न राति, भगवान नहीं देते हैं, बल्कि यहाँ तक कहते हैं कि तवेबर की काया से विघात मस्म पतिर विधत्ते पुरुष शक्र, हे शक्र हमारे स्वामी, हमारे रक्षक संकर्षण देव, अगर भक्त त्रैवर्गिक आयास करता है,
पैसा के लिए, भोगों के लिए, स्वर्ग आदि को चाहता है तो भगवान उसके इस आयास को विफल कर देते हैं। विघातम, क्योंकि अस्मत पति हम लोगों के रक्षक हैं भगवान, बचाते हैं। अतः वे हमको स्वर्ग नहीं देंगे, उनका प्लान है हमको मारेंगे आपके वज्र द्वारा और अपने चरणों के पास लेंगे। आप वज्र चलाइए, फिर भी इंद्र देवता सतपकाए थे, हाथ वज्र में ले करके और केवल सुन रहे थे वृत्रासुर की अमृत वाणी। वृत्रासुर जो बोल रहे थे उसी को ध्यान से सुन रहे थे, और सुनते सुनते उनके मन में आया कि इतने बड़े भक्त को मारना बहुत बड़ा अपराध है, मैं नहीं मारूंगा। वृत्रासुर मरने के लिए उत्कंठित हैं, ललायित हैं। यह है युद्ध का स्वारस, ऐसा सुंदर युद्ध है। जब इंद्र वज्र नहीं चला रहे थे तब मृत्यासु सोचते हैं मैं बेकार इनसे कुछ कह रहा हूँ, मैं अपने स्वामी से ही क्यों न कहूँ। तो बोलते हैं ममोत अहम हरे तो पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनः स्मरेता सुपते गुणांस्ते गिरीत वा कर्म करोत काय। हे हरे, हे भक्तों का संसार दुख हरने वाले परम मनोहर श्री कृष्ण, मैं पुनः आपके दासों का दास बनू, दासानुदास बनू। भगवान के दास तो थे पहले पूर्व जन्म में, लेकिन माता पार्वती का अपराध कर दिए, कुछ बोल दिए, इसी से माता पार्वती ने साप दे दिया तुम असुर हो जाओ, तुम बहुत बढ़ कर बोल रहे हो, ये नहीं देखते हो कौन समाज है, कैसे व्यक्ति बैठे हैं, और तुम शिव जी पर दोषारोप करने लगा। इसीलिए क्रोध में आ गई पार्वती जी, क्रोध में आकर के सीधा साप दे दिया तुम भगवान के चरणों में रहने लायक नहीं हो, भगवान के चरणों में बहुत सज्जन लोग रहते हैं, तुम असुर योनि में चले जाओ, भौतिक जगत में। तो वृत्रासुर ने चित्रकेतु महाराज को सुनकर अपने विमान से उतर गए, माता पार्वती को प्रणाम किए, बार बार माँ कहे, उनको क्रोध नहीं हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि चित्रकेतु चाहते तो माता पार्वती को साथ दे सकते थे, लेकिन कोई क्रोध नहीं हुआ, उल्टे माँ माँ कह करके बार बार विनय किए, कहे कि हे माता जी, मैं आपके वर की क्षमा नहीं करा रहा हूँ, आपके साप की क्षमा नहीं करा रहा हूँ, आपने जो साप दिया वही भगवान की इच्छा थी, कोई क्रोध नहीं। तो भगवान शिव से मिल करके चित्रकेतु महाराज चल दिए विमान पर। तो अपनी पत्नी से भगवान शिव बात करते हैं, देख लिया ना भगवान के भक्तों की महिमा, तुम में क्रोध आ गया, तुम तिलमिला गई क्रोध से, तुम्हारी आंखें लाल हो गई, लेकिन चित्रकेतु महाराज में क्रोध नहीं आया,
तुम्हारे इस भयंकर सांप को सुनकर भी उन्हें कोई डर नहीं हुआ। वे सांप देने में समर्थ हैं, लेकिन तुमको सांप नहीं दिए। अब तुम क्रोध से लाल होकर के सांप दे दी। तुम में शारीरिक सौंदर्य है, बहुत सुंदर हो, गौरी कहा जाता है, लेकिन जितना सुंदर चित्रकेतु है उनमें जितना सुंदर भक्ति है, सुंदर वैराग्य है, ज्ञान है, वो सब सुंदरता तुम में बिल्कुल नहीं है। शरीर सुंदर होने से क्या हुआ? असली सौंदर्य भगवान की भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है। तो चित्रकेतु में अद्भुत वैराग्य है, अद्भुत ज्ञान है, भगवान के चरणों में भक्ति है। इतने बड़े पद से तुमने गिरा दिया, विद्याधरों के अधिपति बने थे चित्रकेतु, और माता पार्वती ने साप दिया तुम असुर हो जाओ। बहुत बड़ा साप था, साप ले करके माता पार्वती को प्रणाम किए, भगवान शिव को प्रणाम किए, और उनसे उनके देखते देखते विमान पर चढ़ करके चले गए। वही त्वष्टा की यज्ञ अग्नि में वृत्रासुर हुए, ये कथा आएगी बाद में। तो वृत्रासुर कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मैं पुनः आपके दासों का दास बनूं। डायरेक्ट दास बन गए थे, अब चाहते हैं कि नहीं, भगवान के दास का दास बनू, दासों का अनुदास। और भूया, एक जन्म में ही नहीं, मैं जब तक रहूं, जब तक मेरा अस्तित्व रहे, तब तक आपका दास अनुदास रहूं। मेरा मन आपके गुणों का स्मरण करे और मेरी वाणी उन्हीं गुणों का कीर्तन करे, और मेरा शरीर आपकी सेवा के काम में रहे। मन स्मरे ताशुपते गुणास्ते गिणी तवा कर्म करो तो काय। मेरा शरीर आपकी सेवा करे, मेरी वाणी आपका नाम जप या गुण कीर्तन करे, और मेरा मन हमेशा एंगेज रहे, आपके गुणों का स्मरण करता रहे। बहुत सुंदर प्रार्थना है। श्रील प्रभुपाद जी इसकी व्याख्या में लिखते हैं कि यही भक्ति का सार है। ये अंग्रेजी में है, मेरे पास अगर कोई भक्त पढ़े तो पढ़ सकते हैं। हम हरे तो उपाधय के मूला, तो इंग्लिश में है, जो इंग्लिश पढ़ सकते हैं वो पढ़ें। पहले अनुवाद। हे भगवान, क्या मैं पुनः आपका दासानुदास बन सकूंगा जो आपके ही चरण कमल की शरण लेते हैं? हे मेरे जीवनाधार, क्या मैं आपके दासों का दास बन सकूंगा जिससे मेरा मन सदैव आपके दिव्य गुणों को स्मरण करता रहे, मेरी वाणी नित्य आपके गुणों का गान करती रहे, और मेरा शरीर आपकी प्रेम भक्ति में निरंतर लगा रहे? तात्पर्य, इस श्लोक में भक्तिमय जीवन का सार दिया गया है। पहले मनुष्य को भगवान के दास का भी दास दासानुदास बनना पड़ता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यही उपदेश दिया और अपना उदाहरण प्रस्तुत करके दिखाया कि जीवात्मा को सदैव गोपियों के पालक श्री कृष्ण के दास बनने की आकांक्षा करनी चाहिए। गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदासः। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को चाहिए कि ऐसा गुरु स्वीकार करे जो
गुरु परंपरा से संबद्ध हो और भगवान के दास का भी दास हो। उसी के निर्देश में वह अपनी तीनों संपत्तियां अर्थात मन, वाणी तथा शरीर को लगाए। गुरु के आदेशानुसार शरीर को शारीरिक कार्यों में लगाए, मन कृष्ण के विषय में निरंतर सोचे और अपनी वाणी को भगवान के यश के प्रचार में लगाए। यदि मनुष्य इस प्रकार से भगवान की प्रेमा भक्ति करता है तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है। जय श्री प्रभुपाद। मृतासुर जी की ये प्रार्थना है और ऐसे समय में जब भयंकर युद्ध हो रहा है, मरने मारने की तैयारी है, उस समय वे युद्ध में भगवान को सामने देख करके मन ही मन भगवान से कहने लगे कि हे हरे, मैं आपके चरणों के दासों का अनुदास पुनः बनू। पुनः शब्द से तात्पर्य है कि बारंबार, जब तक मैं रहूं, जब तक मेरी सत्ता है, तब तक आपके दासों का दास ही रहूं, दास बन करके आपकी सेवा करूं, मेरा मन आपके गुणों का स्मरण करे, मेरी वाणी उन्हीं गुणों का कीर्तन करे, मेरा शरीर आपकी सेवा में लगा रहे। तो मानो भगवान ने कहा कि दासता में रह कर क्या करोगे, तुमको महाफल दे रहा हूँ, बहुत बड़ा फल दे रहा हूँ, उसको तुम स्वीकार करोगे। तब उसके बाद वृत्रासु कहते हैं, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवा समंजसत्ता विरहय कांच। हे समंजस, हे सर्व सौभाग्य निधि, जितना भी सौभाग्य है सब आप में है, आपकी सेवा में है। मैं आपको पृथक करके विरहय, आपसे दूर हो करके नाक पृष्ठ नहीं चाहता। नाक पृष्ठ कहते हैं ध्रुव पद, लगभग वैकुंठ के सन्निकट है ध्रुव लोक, तो वो मैं नहीं चाहता हूँ। न सार्वभौम, मैं ध्रुव लोक नहीं चाहता हूँ, न पारमेष्ठम, न ब्रह्मा जी का पद चाहता हूँ, न ब्रह्म लोक चाहता हूँ, और न संपूर्ण पृथ्वी का राज्य भोगना चाहता हूँ, और न रसातल की संपत्ति चाहता हूँ, रसाधिपत्यम। पृथ्वी के नीचे भी बहुत धन है, बहुत साम्राज्य है, मैं इसको नहीं चाहता। योग की जो सिद्धियां है, परफेक्शन है योग में, वो भी नहीं चाहता, और यहाँ तक कि मैं मुक्ति भी नहीं चाहता और पुनर्भव मोक्ष नहीं चाहता। क्या चाहते हैं आप? तो अपनी चाह को कह रहे हैं, अजात पक्षा मातरम खगा स्तन्यम जथावत सतरा सुधावता प्रियम प्रिय विषतम विषाणा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे अपने माँ की प्रतीक्षा करते हैं कि माँ कब आएगी कोई चारा दे करके, कोई कीट पौधों का अंकुर लेकर आएगी, हमें खिलाएगी। जैसे बच्चे पंखहीन होते हैं, तो इसी तरह से मेरा मन आपको चाह रहा है, लेकिन
आपके पास जाने की हमें शक्ति नहीं है, साधन नहीं है, कैसे आपको पाया जाएगा मैं नहीं जानता हूँ। आपकी प्राप्ति आप ही कराएंगे, जैसे पक्षी होता है उसका पंख नहीं होता है तो स्वयं उड़ करके अपने माँ के पास जा नहीं सकता है, उड़ने की शक्ति नहीं होती है। ऐसे ही हे प्रभु, हमारी शक्ति नहीं है न साधन है कि आपको पा सकूं, लेकिन आप ही कृपा करेंगे तो आपको पा सकेंगे। एक उदाहरण दिए, दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसे गाय का छोटा बच्चा वत्स तरह खूंटे में बंधा रहता है, जब माँ स्वयं आएगी वन से चर करके तब दूध पिलाएगी, जब तक नहीं आती है वो बच्चा हम्बा हम्बा करता रहता है, बाएं बाएं करता रहता है, भूख से व्याकुल रहता है, तब दूध तब पीता है जब माँ आती है। हे नाथ, मैं कर्म बंधन में बंधा हूँ, तीनों ताप से दुखी हूँ, बंधन में हूँ, जैसे माँ आती है बच्चे को दूध पिलाती है चाटती है, वैसे ही मेरा मन आपको देखने के लिए व्याकुल है, जैसे बच्चा चाहता है कि मेरी माँ आवे मुझे मेरे पास, जैसे मैं चाहता हूँ आपको देखना, आपसे मिलना चाहता हूँ, पर परवशता है अपनी शक्ति नहीं है। दूसरा उदाहरण है बच्चे दूध का, बच्चा दूध पीना चाहता है लेकिन वो चल करके माँ के पास पहुंच नहीं सकता, बच्चा है छोटा। पक्षियों के बच्चे में भी उड़ नहीं सकते, गाय का छोटा बच्चा वो बंधा हुआ है, वो पहुंच नहीं पाएगा गाय के पास, गाय स्वयं आती है और अपने थन को बच्चे के मुंह के पास कर देती है, तब वो पीता है दूध। गाय के थन से निकलने वाले दूध को स्तन में कहते हैं, स्तन से निकलने वाला दूध, जैसे स्तन के लिए थन के दूध के लिए व्याकुल रहता है छोटा बच्चा, इसी प्रकार से मेरा मन आपको देखने के लिए व्याकुल है। अब तीसरा उदाहरण दे रहे हैं, प्रियम प्रियव, जैसे प्रिया किसी की परम पतिव्रता स्त्री पत्नी अपने परम प्रिय पति को जो परदेश गया हुआ है, विश्वतम बहुत दिन बीत गए हैं, अपने प्रिय को पति को देखना चाहती है, मिल करके सेवा करना चाहती है, बहुत चिंता में रहती है कि पति कहाँ खाते होंगे, कौन सेवा करेगी प्रदेश में। ऐसे ही मेरा मन आपको देखने के लिए छटपटा रहा है, दिद्रिक सत्य, मेरा मन छटपटा रहा है आपको देखने के लिए। ये तीन उदाहरण क्यों दे रहे हैं, एक से संतोष नहीं हुआ, दो से संतोष नहीं हुआ, तीन से संतोष हुआ। जब ये पक्षी का उदाहरण दिए
अजात पक्षायु मातरम, जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे अपने माँ की प्रतीक्षा करते हैं, तो ऐसे मेरा मन आपको देखने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। ये इस उदाहरण से संतोष नहीं हुआ वृत्रासु जी को, मैं सोचने लगा कि पक्षी तो केवल कुछ खाने के लिए माँ की प्रतीक्षा करते हैं, चिंचे करते हैं खाने के लिए, उनमें सेवा की वासना नहीं होती, अवश्य आश्रय है माँ का, माँ जब आएगी खिलाएगी तब खाएंगे, और पंख नहीं है इसलिए वे माँ के पास जा नहीं सकते। थोड़ा सा संतोष हुआ लेकिन पूरा संतोष बिल्कुल आश्रय को नहीं हुआ, इसीलिए दूसरा उदाहरण दिए, जैसे गाय का छोटा बच्चा अपने माँ की प्रतीक्षा करता है दूध के लिए, तो गाय में और दूध में अंतर नहीं है, सदृश पक्षी आएगा कोई फल लेकर के या कीट पतंग पकड़ करके लाएगा तो अपने अंग से बाहर का सामान लाता है, तो इससे बेटर उदाहरण था गाय में और गाय के दूध में भेद नहीं है। वृत्रासु ने सोचे कि वो गाय को ही चाहता है, दूध को चाहता है जरूर लेकिन गाय को भी चाहता है, गाय से प्रेम होता है उसको बच्चे को, इसलिए दूसरा उदाहरण दिए, लेकिन इससे भी संतोष नहीं हुआ। वे यही सोचने लगे कि जब बच्चा को दूध मिल जाता है गाय का तो फुदकने लगता है दौड़ने लगता है, गाय से मतलब नहीं रहता है, मैं इस तरह से भगवान का दर्शन तो चाहता नहीं हूँ, इसीलिए तीसरा उदाहरण दें। जैसे प्रिया अपने प्रिय की सेवा करना चाहती है, यहाँ पति पत्नी शब्द नहीं है, प्रिय और प्रिया, प्रियम प्रिय व विष्णुम विष्णु, परदेश गए हुए पति के लिए चिंता करने वाली प्रिया विषाण रहती है, खिल रहती है, सोचती है कब प्रिय आएंगे, उनकी सब प्रकार से सेवा करूंगी, विषाण होकर के दुखी होकर के दिन बिताती, तो हे कृष्ण इस प्रकार मेरा मन आपको देखने के लिए व्याकुल, देखने के लिए व्याकुल है का मतलब है मैं आपकी सेवा के लिए व्याकुल हूँ, दिदृक्ष होते हैं। इस दृष्टांत से संतोष हो गया, इसके द्वारा भगवान के सर्वोच्च प्रेम भाव को भी प्रकट किया गया। गोपियां भगवान की पत्नियां नहीं है, प्रिया है, और यह इनका नित्य संबंध है, अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। कृष्ण सुख के लिए सब कुछ करती है, उनका खाना पीना श्रृंगार करना आभूषण पहनना सब कुछ कृष्ण को सुख देने के लिए, इसीलिए प्रियम शब्द और प्रिया शब्द का प्रयोग किया गया। जो प्रिय है नित्य प्रिय, उसके साथ कभी
मन का बिछोर नहीं होगा, नित्य सेवा मिल जाएगी। इस आशय से ये कहते हैं कि जैसे प्रिया परदेश गए हुए प्रिय की चिंता करती है, सेवा करना चाहती है, और सेवा में अपना सर्वस्व अर्पित करके, अपना शरीर अर्पित करके, प्रिय को भोजन दे करके, पंखा झल करके, सब तरह से सेवा करना चाहती है, उसी तरह से मेरा मन आपको देखने के लिए व्याकुल है। इस उदाहरण में भगवान के अद्भुत सौंदर्य को भी व्यक्त किया गया है। दिदृक्षते, जैसे आंख से देखने की लालसा होती है, ऐसे मेरा मन आपको देखने के लिए व्याकुल है। भगवान इंद्र इस दृश्य को देख रहे थे, हाथ में वज्र लिए लिए चकित थे। बाप रे बाप, ऐसा भक्त मैंने देखा नहीं, इतना युद्ध किया, इतने लोगों से मिला, लेकिन ऐसी अनन्य निष्ठा भगवान किसी भी मैं सुना नहीं, देखा नहीं। चकित, अब उनके मन में पूर्ण विचार आ गया कि मैं नहीं मारूंगा, मैं इस हत्या को नहीं करूंगा। वज्र जिसके लिए बना था वो सब काम बंद हो गया। इंद्रदेव नहीं मारने के लिए विचार कर रहे थे, मृत्युसुर ने देखा कि ये हमको नहीं मारेंगे, तब 12वां अध्याय प्रारंभ होता है। एवं जिहासुर निपते माजव मृत्युम वरम विजयान मन ने माना। मृत्युसुर युद्ध में मृत्यु को श्रेष्ठ समझ रहे थे, विजय की अपेक्षा है, और इसलिए वे इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए हाथ में त्रिशूल लेकर के, जो त्रिशूल प्रलयानल के समान दहक रहा था, प्रलयाग्नि के समान चिंगारी निकल रही थी, और घुमा करके इंद्र पर चला दिया। इंद्र देवता घबरा गए, वे भी तो बहुत बड़े वीर हैं, तुरंत वज्र को चलाए और वित्रासुर की भुजा को काट दिए, दाहिनी भुजा को, और त्रिशूल भी काट दिए। चूंकि वज्री है, वज्र धारण करने वाले, अपने वज्र द्वारा वित्रासुर की भुजा को काट दिए और त्रिशूल भी। यही चाहते थे वित्रासुर किसी तरह से आघात करें, तो उन्होंने अपने बचने के लिए आघात कर दिया। वृत्रासुर की भुजा कट गई और आयुध कट गया। बाई भुजा बची तो अभी भी इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए वे बाई भुजा से मूसल पकड़े हैं, परिक कहते हैं लोहे का मूसल, और मूसल लेकर के पहुंचे इंद्र के पास निकट। उन्होंने हाथी को मारा, ऐरावत को, और ऐरावत को तो मारा है, इसके साथ साथ ऐरावत पर चढ़े हुए इंद्र को मार दिया हल्का ठोड़ी पर। यहाँ तो उनका जी झंझना गया, हाथ से वज्र गिर पड़ा। शत्रु के सामने अपना आयुध गिरा था, इसलिए इंद्र वज्र को उठाए नहीं, फिर लज्जा से। तो वृत्रासुर फिर कहने लगे,
आप चिंता मत कीजिए, उठाइए वज्र। इस संसार में सबकी सब समय विजय नहीं होती है। यदि मैं आपको मार दिया तो इसका अर्थ नहीं है कि हमेशा मेरी विजय होगी। विजय कभी कभी होती है किसी व्यक्ति की, जब भगवान की इच्छा होती है। वज्र उठाइए, चिंता मत कीजिए, लज्जा मत कीजिए। वज्र उठा करके आप शत्रु को मुझे मारिए, ये बार बार विनय कर रहे हैं। हमने प्रवचन किया कि वास्तव में श्री भगवान ही सब कुछ करते हैं, किसी में कोई दम नहीं है। तो आप वज्र उठाइए, सदा विजय केवल एक व्यक्ति की होती है। सब समय और सभी विषय में केवल एक व्यक्ति की विजय होती है, वो है सनातन पुरुष श्री भगवान। बाकी कोई नहीं कह सकता कि उसकी विजय होगी क्या होगी, कभी भी हार हो सकती है। विजय केवल एक व्यक्ति की होती है, सनातन पुरुष की, जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। इन्हीं परम पुरुष श्री हरि की विजय होती है। बहुत सुंदर उपदेश है। कहते हैं कि देखिए इंद्रदेव, यह युद्ध क्या है, ये जुए का खेल है। प्राणग्रहण, इस जुए के खेल में, युद्ध में प्राणों की बाजी लगती है। और वाहन यही गेम बोर्ड है। हाथी पर चढ़ करके युद्ध किया जाता है या रथ पर, घोड़े पर, ये वाहन ही गेम बोर्ड है। और बाण यही पासे हैं। तो कुछ पता नहीं चलता है जुए में कि कौन हारेगा कौन जीतेगा। इसी प्रकार कुछ पता नहीं होता है कि कौन युद्ध में हारेगा कौन जीतेगा। देखिए मेरी बांह कट चुकी है, मेरा आयुध क्षीण हो चुका है, फिर भी मैं यथाशक्ति आपका प्राण लेने पर मेरे का प्रयास कर रहा हूं। मेरी बांह कट चुकी है, आयुध भी कट चुका है, फिर भी मैं आपका प्राण लेना चाहता हूं। तो आप भी उत्साह रखिए, हारिए मत। उत्साह मत खोइए, वज्र उठाइए और मेरा वध कीजिए। इस प्रकार ये बातें हो रही हैं। अंत में देवराज इंद्र बाई भुजा भी काट दिए। जब बाई भुजा काट दिए तब वृत्रासुर अपने नीचे के ओठ को जमीन से सटाए और ऊपर के ओठ को आकाश से, बादल से मुंह फाड़ करके बहुत बड़े रूप में हो गए और दौड़े इंद्र के पास, खा गया इंद्र को हाथी के साथ। वृत्रासुर मारना नहीं चाहते थे, लेकिन उनमें असुर आवेश था,
माता पार्वती जी का साथ था और त्वष्टा का संकल्प था, इसलिए इनमें अशुभ भाव था। मुंह फाड़ करके ऐरावत हाथी को और इंद्र को खा गए। उस समय सारे देवता हाय हाय करने लगे, ऋषि मुनि रोने लगे, ये क्या हुआ, बहुत बड़ा अनिष्ट हो गया। पर इंद्र मृतासु के पेट में जाकर के भी मरे नहीं। इसका कारण था कि वे नारायण कवच पढ़ रहे थे, अभ्यास किए थे और योग बल था ही, सुरक्षित रहे। और धृतराष्ट्र के पेट को फाड़ करके बाहर निकल गए। फिर वज्र से उनकी गर्दन काटने के लिए तत्पर हुए। वज्र से गर्दन कटा बहुत तेज गति से, लेकिन फिर भी एक साल लग गया। जब वृत्रासु का मस्तक कट करके गिरा, तब ऋषि मुनि देवता सभी जय जयकार करने लगे।